सो हाय गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई जैसे कि इस वाले वीडियो पे मैंने टाइटल पे और थंबनेल पे आप लोगों ने जान ही लिया कि यहाँ पर मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो गाइस बेस्ट ग्रिप यहाँ पर बताऊंगा कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए रिकॉल कंट्रोल के लिए और वगैरह वगैरह, जितना भी यहाँ पर ग्रिप्स है और यहाँ पर सप्रेसर है, कंपनसेटर क्या कुछ मतलब काम करता है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए गाइस, सारा कुछ बताएंगे इस वाले वीडियो पे। तो चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज बनाते रहता हूँ। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम अपने ग्रिप्स को ओपन करते हैं, मतलब बैकपैक को ओपन करके ग्रिप्स आपको दिखाते हैं। थंब ग्रिप है, यहाँ पर लाइट ग्रिप है, वर्टिकल ग्रिप है, एंगल ग्रिप है, सप्रेसर है, कंपनसेटर है और यहाँ पर एक फ्लैश हेडर भी है और कंपनसेटर भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो आपको सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम रिकॉल कंट्रोल के लिए, जो सब सारे बंदे का मतलब जो है ये रहता है कि भाई रिकॉल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस देखो आपको करना क्या है, आपको एक कंपनसेटर तो लेना ही है रिकॉइल कंट्रोल के लिए। तो गाइस यहाँ कंपनसेटर लेते हैं और अगर आपको मतलब इस तरह मारने का आदत है, मतलब पिक एंड फायर वाला जो बटन है गाइस इस तरह मारने का आदत है, तो ठीक है आप इस तरह भी मतलब रिकॉइल कंट्रोल जो क्या होगा आपका एक साइड का रिकॉइल कंट्रोल कर देगा। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो एंगल ग्रिप यूज़ कर रहे हो तो ये क्या करेगा आपका एक साइड का जो है रिकॉइल को कंट्रोल कर देगा। अगर आपको इस तरह से मारने का आदत है, अगर आप इस तरह ओपन करते हो तो हाफ ग्रिप यूज़ करो और अगर आप इस तरह स्कोप को ओपन करते हो पिक एंड फायर वाला बटन को क्लिक करके, तो गाइस आप ये एंगल ग्रिप यूज़ करना क्योंकि ये क्या करता है एक साइड का रिकॉइल को कंट्रोल कर देता है। देखो तो गाइस ये जो है इस मतलब ऐसे ऐसे जो होता है इधर इधर, तो ये क्या करता है इस साइड का रिकॉइल को कंट्रोल कर देता है, इधर से मारोगे तो इस साइड का रिकॉइल को कंट्रोल कर देगा, ठीक है ये चीज़ आप समझना। जैसे कि मान लो यहाँ बंदा है गाइस, तो आपको क्या करेगा ये चीज़ करेगा, ये इधर इधर नहीं जाने देगा, इधर भले आगे ऐसे ऐसे जाएगा बट ये इधर नहीं आने देगा, ठीक है। तो यही काम है एंगल ग्रिप का। अब बात करते हैं हाफ ग्रिप, तो हाफ ग्रिप उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जो स्कोप को गाइस ऐसे ओपन करते हैं ना कि इस तरह। अगर इस तरह ओपन कर रहे हो तो हाफ ग्रिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। ये क्या करता है आपका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों आपका कंट्रोल कर देता है, ठीक है। ये आपका इधर का भी कंट्रोल करता और इधर का भी कंट्रोल करता, तो इससे क्या होता है गाइस बंदे को एक्यूरेट एम जाता है एकदम, तो ये बराबर गाइस दोनों आपका काम कर देता है, तो ये आपके लिए भी बेटर है। बट मैं जो अपना पर्सनल यूज़ करता हूँ मैं एंगल ग्रिप यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा आदत है कहीं भी इस तरह करने का, कोई गाड़ी भी जा रहा हो तो मैं गिराने के लिए मतलब इसी तरह मतलब उसे स्प्रे देने के लिए मैं इसी तरह यूज़ करता हूँ या फिर इधर से स्प्रे करता हूँ, मेरा आदत है इसलिए मैं गाइस एंगल ग्रिप यूज़ करता हूँ और कंपनसेटर। अब जो बात करते हैं यहाँ पर आपका ये वर्टिकल ग्रिप, तो वर्टिकल ग्रिप उन लोगों के लिए जो गन को मतलब सिंगल पिक चलाते हैं, वो लोग नन जैरो प्लेयर है और उनका जो स्प्रे सही नहीं होता, तो वो वर्टिकल ग्रिप को यूज़ कर सकते हो टैप टैप में इस तरह से, टैप टैप में वो यूज़ कर सकते हो गाइस। मेरे से टैप टैप उतना होता ही नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस आप टैप टैप में इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये अगर वर्टिकल ग्रिप यूज़ करते हो तो नन जैरो पिलर के लिए स्प्रे कर लिए। तो गाइज़ ये चीज़ हो गया। अब चलो बात करते हैं यहाँ पर गाइज कंपनसेटर, सप्रेसर और फ्लैश हेडर, इन तीनों का क्या काम होता है। बाकी यहाँ पर गाइज आपका ग्रिप में जो है एक लाइट ग्रिप बचा और थंब ग्रिप, तो गाइज थंब ग्रिप होता है स्कोप को फास्ट ओपन करने के लिए, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सप्रेसर वगैरह का बात बताऊँगा। तो गाइज़ देखो ये स्कोप देख रहे हो कितना फास्ट ओपन हो रहा है गाइज़, वही चीज़ अगर आप इसे हटा दोगे थंब ग्रिप को तो देखो गाइस हल्का सा मतलब देखो कितना लेट टाइप का लग रहा है, आपको खुद दिख रहा होगा ये कितना ही मतलब लेट खुल रहा है, और आप अगर इसे लगा दोगे थंब ग्रिप को तो देखो कितना फास्ट खुलेगा, आप खुद गौर करो। तो गाइस यही था थंब ग्रिप का काम, फास्ट स्कोप ओपन करता है। लाइट ग्रिप किस लिए गाइस, लाइट ग्रिप आपका ये है बैरल के लिए, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा बैरल में लाइट ग्रिप क्यों लगाते हैं हम, और आपको बताएंगे भी इसका गाइस क्या मतलब रिकॉल कंट्रोल इससे होता है कि नहीं बैरल का लाइट ग्रिप से। तो चलो गाइस ग्रिप्स को आपको बता दिए, थंब ग्रिप, वर्टिकल ग्रिप, हाफ ग्रिप और एंगल ग्रिप, सारा कुछ आपको बता दिए। अब गाइस आता है कंपनसेटर, सप्रेसर और फ्लैश हेडर। तो देखो आपका जो कंपनसेटर है ये आपका रिकॉइल 100% रिकॉइल कंट्रोल करता है आपको। चलो यहाँ पर मैं प्रूफ दिखाता हूँ, रेड डॉट लगाता हूँ यहाँ पर और देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं हल्का सा आपको जायरो में बंद करके दिखाता हूँ, कहाँ गया मेरा जायरो, ये रहा, क्लोज करके दिखाता हूँ, ये मैंने स्कोप ओपन किया और फायर देखो, सॉरी गाइस यहाँ पर सिंगल पे था। तो गाइस ये था कंपनसेटर, आप देख सकते हो लाइन कंपनसेटर का लाइन आपको दिख रहा होगा, ये कंपनसेटर का लाइन था। अब चलो कंपनसेटर को यहाँ पर हम हटा देते हैं और देखते हैं, तो भाई देख लो अब लाइन एकदम स्नैक बन चुका,
एकदम स्नैक बन चुका, आप देख सकते हो। वर्टिकल मैंने यूज़ किया था तो स्ट्रेट था, थोड़ा बहुत था बट स्ट्रेट था। और मैंने जैसे ही एंगल कंपनसेटर को हटाया, यहाँ पर गाइस स्नैक बन चुका था। यही चीज़ है गाइस, कंपनसेटर जो आपका रिकॉल को 101% कंट्रोल करता है। सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर हम फ्लैश हेडर की। तो गाइस यहाँ पर मैंने फ्लैश हेडर लगा रखा है। तो फ्लैश हेडर का क्या काम है, आप अगर कोई घास में प्रोन रहते हो तो आपका जो फायर करते हो तो गन से एक देखना आग निकलता है, तो इजीली आपको बंदा जान जाता है कि ये बंदा यहीं पर लेटा हुआ, आपको आँख देख के वो ग्रेनेड फेंक देता है या फिर आपको इजीली जाके मार देता है, क्योंकि आपका जो फायर है गन से, देखो यहाँ पर जो फायर है गाइज यहाँ पर दिखता, ये आगे में जो आपको गन का हल्का सा दिख रहा नली टाइप का, वहाँ से गाइज आँख निकलता तो आप घास में इजीली लोकेट हो जाते हो कि बंदा यहीं पर, वो आपको एनिमी मार देता है इजीली। तो फ्लैश हेडर आप अगर लगाते हो तो आपका फायर नहीं दिखेगा। देखो मान लो यहाँ पर मैं फायर कर रहा हूँ तो देखो आँख नहीं निकलेगा मेरा गन का आगे से, तो देख लो यहाँ पर कोई भी आग नहीं निकल रहा। बट यहाँ पर जैसे आप कंपनसेटर लगाओगे यहाँ पर, तो देखो गाइज इससे रिकॉल कंट्रोल होता है कंपनसेटर से, बट आपका जो फायर का आग होता है वो निकलेगा। देखो तो गाइज देख सकते हो कितना ज़्यादा आग निकल रहा है गन का आगे से, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कंपनसेटर में। तो कंपनसेटर में आपका रिकॉल कंट्रोल करता है लेकिन जो आपका फायर का आग होता है वो नहीं छिपा पाता, बट फ्लैश हेडर यहाँ पर रिकॉल भी आपका कंट्रोल कर देता है हद तक, लेकिन आपका जो आग है वो भी छिपा देता है। देखो आप यहाँ पर एकदम आग नहीं निकल रहा, आप देख सकते हो। तो आप घास में प्रोन होकर फ्लैश हेडर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एनिमी लोकेट नहीं कर पाएगा। तो चलो गाइज ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं सप्रेसर। तो सप्रेसर भी कुछ फ्लैश हेडर टाइप का ही चीज़ करता है, ये भी आपका लोकेशन को हाइड करता है। मूवी में जैसे आप देखते हो कि कोई बंदा मूवी में देखना कोई विलन को मारता हीरो, तो देखना वो सप्रेसर लगा के, मान लो स्नाइपर लगा के, या फिर विलन ही मारता स्नाइपर लगा, क्योंकि अगले बंदा को पता ना चले लोकेशन। तो यही काम करता है इसका भी, इसका आवाज़ जो है आपको पता नहीं चलेगा और ना ही लोकेशन आएगा अगर आप दूर से मारते हो तो, या फिर आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो सप्रेसर से, मान लो यहाँ पर फाइट कर रहे हो और थोड़ा दूर पे ही कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पर एनिमी रहेगा तो आपका आवाज़ नहीं जाएगा सप्रेसर का, बहुत ही कम आवाज़ जाता है। अगर सामने बंदा रहेगा तो सप्रेसर का आवाज़ आ जाएगा, लोकेशन भी आ जाता है बट दूर से नहीं आता। तो अगर आप छिप के मारना चाहते हो तो सप्रेसर लगा के मारो, दूर से कोई दिक्कत नहीं है, सप्रेसर यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे रिकॉइल कंट्रोल आपका नहीं होगा। रिकॉइल कंट्रोल जो होता है गाइज आपका कंपनसेटर से होता है, और आपका जो फ्लैश हेडर होता है इससे भी रिकॉइल कंट्रोल होता है यहाँ पर जो फ्लैश हेडर है, लेकिन ये आपका फ़ायदा करेगा घास में आप प्रोन रहोगे तो आपका फायर का आग जो है नहीं दिखेगा, जिससे एनिमी आपको लोकेट नहीं कर पाएगा। सो गाइज शायद यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है और कैसे क्या कुछ होता है। हाँ एक चीज़ बाकी रह गया, बैरल। तो बैरल में मैंने बताया था आपको लाइट ग्रिप का क्या काम है। तो लाइट ग्रिप अगर आप लगाते हो तो बैरल में तो सक्सेस लगा के बहुत ही कम जन मारते हो, मारते भी होंगे तो कुछ इतने क्लोज में मारते होंगे, दूर में तो कोई मतलब उपाय नहीं है कि मार सकते हो। तो देखो मैंने बैरल पे यहाँ पर लाइट ग्रिप क्यों चूज़ किया, तो लाइट ग्रिप अगर आप लगाते हो तो बैरल में बहुत ही ज़्यादा सही चलता है, रिकॉइल कंट्रोल भी होता है। अब जस्ट गौर करो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट में आपको दिखाया था, तो इंट्रो में जैसे मैंने बताया था फायर करके बैरल में, तो आपने देखा ही रिकॉइल कितना अच्छा कंट्रोल हुआ। तो अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, देखो तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर मैं फायर कर रहा हूँ और आप रिकॉइल जस्ट आपका सामने दिख रहा है। तो गाइज अभी आप हम लाइट ग्रिप यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है, लाइट ग्रिप यहाँ पर हटा देते हैं और देखो अभी इसका आवाज भी और फायर भी। आपको पता चल गया होगा कितना ज़्यादा इसमें थोड़ा मूवमेंट कर रहा है गन आपका फायर करते टाइम, देख सकते हो कितना ज़्यादा हिल रहा है। बट यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर लाइट ग्रिप लगाते हो, लाइट ग्रिप जैसे लगाते हो, यार गिर गया, तो लाइट ग्रिप लग गया यहाँ पर और देखो अभी आप, मतलब यहाँ पर कोई ग्रिप लगाने का दरकार नहीं है, आप खाली लाइट ग्रिप लगा लो यहाँ पर, एंगल ग्रिप, वर्टिकल ग्रिप या फिर ये थंब ग्रिप, कुछ भी काम नहीं है आपको, बस गाइस लाइट ग्रिप लगाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सही चलेगा आपके लिए। बैरल पे आप इकर यूज़ करते हो लाइट ग्रिप तो बहुत ही ज़्यादा सही होगा। तो ये चीज़ हो गया, भाई आप कंपनसेटर भी लगा लोगे तो भी आपका और भी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हिलेगा ही नहीं एकदम। सो गाइज यही कुछ था आज किस वाले वीडियो पे, आई होप कि ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल पे आते रहते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।